चेंज नहीं करवा पा रही हूँ, और उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ ना। मेरी फेवरेट आइसक्रीम है हैव मोर की, और इस आइसक्रीम से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कप वाली दे दो भाई। बताओ भैया को। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हमारा किचन गार्डन फाइनली उजड़ गया है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था काफ़ी मंथ से, और अब सब्जियाँ भी नहीं आ रही थी। तो मम्मी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं अब रखने का, क्योंकि अब हम नई जो सीज़न की सब्जियाँ होंगी ना वो लगाएंगे। तो फिर आज हम खाने के लिए भी बहुत लेट हो गए थे, दोपहर को हमने 1 बजे खाना खाया, क्योंकि आज वहीं लगे रहे मम्मी और मोनू दोनों। तो फिर मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी 1 बजे के आसपास खाना खाया है, और आज बहुत मेहनत करी थी दोनों ने, मम्मी और मोनू ने। तो यहाँ मोनू खाना खा रहे हैं, तो थक गए थे आज पूरा टाइम, सुबह से लगे हुए थे ये लोग क्लीनिंग करने में वहाँ पर, और हम शाम को बाहर आए थे घूमने के लिए। आइसक्रीम कौन सी लोगे? कप वाली दे दो भाई। बताओ भैया को। ये वाली? ये तो इसमें हाथ गंदे करते हो भैया, कप वाली दे दो, चॉकलेट वाली है ना, है गोली? बोलो चॉकलेट। चिंची भैया एक आलमंड मोचा दे देना। पता है मिनी भैया से आइसक्रीम लेते हो, इनको पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो जब भी जैसे मैं कैमरा निकालती हूँ तो खुश होकर ऐसे स्माइल करके देखते हैं कि मैं ये मेरे व्लॉग में आएंगे। मैंने कहा भैया छोटा सा व्लॉगिंग चैनल है मेरा, बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ मैं। ये कौन लेगा? ये बेटा आपकी तो वो वाली है ना नोनू। ये कौन लेगा? वो भी ले लो, ये मम्मा को दे दो, वेरी गुड, वो वाली आप ले लो। स्पून पकड़ो, स्पून। थैंक यू तो बोलो भैया को। बाय। नहीं थैंक यू बोलो। क्या रुपए हो भाई? बोला थैंक यू। वेलकम। बेटे की चम्मच भी गिर गई बेटा की, तो भैया दूसरी चम्मच दे देना, दूसरी ले लेते हम स्पून है ना। गिराना नहीं बेटा, लाओ मम्मा खोलेगी तो। चलो मम्मा खोलेगी, मनु खोलना इसे, पापा को दे दो, पापा खोलेंगे। गोदी में बैठो पहले, यहाँ पर आराम से चम्मच से खाओ जो है, यहाँ इससे लगा के खाओ, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने एक ये ली है ब्लॉक बास्टर हैव मोर की, और नोनू के लिए लिया, बिकॉज नोनू को ना ये वाली नहीं खा पाता, वो गिरा देता है पूरी, तो इसमें कितनी नहीं है तो आराम से खा लेता है, तो इसलिए मैं इसे कप वाली ही दिलाती हूँ। हम दोनों ना इसी में से मिल बांट के खा लेते हैं, आधा बनाना लेने। हाँ मेरी फेवरेट आइसक्रीम है हैव मोर की, ये है नोनू, और ये इसको मेरी वाली भी चाहिए, यहाँ से पकड़ो अच्छे से नीचे से, वेरी गुड। किराना नहीं बेटा, अब कौन सा खाना है आपको? बहुत उसको दोनों आइसक्रीम खानी है। सो नोनू के लिए कार लिया, सुपर कार, बैंड टैंक की सुपर कार रही है। गोलू दिखाना बेटा कैसी है, गोलू दिखा तो दो मम्मा को। यहाँ रख दो, रखो यहाँ, इट्स ब्यूटीफुल। उससे ली थी दा, क्या नाम है इसका, दा गिफ्ट हाउस। तो ये हमने दा गिफ्ट हाउस से ली थी। अभी तक नहीं सोया और इसको नींद भी नहीं आ रही है, रात के 12 बजने जा रहे हैं, 12:30 हो गए हैं और उसके कार्टून चल रहे हैं।
देखना इसको, बोलो दिखाना बेटा। लो मम्मा का स्पेक्ट तो ऐसे कौन लगाता है लाडो। सो रात के बज रहे हैं 12:30 और नोनू को नींद नहीं आ रही है, दूर दूर तक भी नोनू को नींद नहीं आ रही है, और ना ये सोएगा 4-5 बजे सुबह को, ऐसे ही सोता है डेली। और सबसे बड़ी बात, कल मेरा एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे से, तो मैंने इसको दिन में मम्मी के घर छोड़ दिया था, मैं इसको थोड़ी देर पहले ही लेके आई हूँ मम्मी के घर से। तो बेटा मम्मा का स्टार्ट दे दो, गिव मी बेटा, गिव मी प्लीज, दे मामी फ़ोन, दे मामी फ़ोन, देखा मामी बना दिया सब। ब्लैंकेट, इसको ब्लैंकेट है ना, इसी को लेके ये सोता है, इसी का दूध पीता है, और अपना ब्लैंकेट छोड़ता ही नहीं है ये। दिखाना मम्मा को, क्या हो गया फोन आज? फोन कहाँ टूट गया? ऐसी झूठ बोलते रहते हो आप, ऐसी फोन टूट जाता है इसका। ना क्या चल, देखो क्या कर रहे हो, मैं फोन क्या चलाऊँ, क्या चल, क्या देखो, क्या देखोगे? कार्टून चलाने के लिए बोल रहा है, दिखा रही हूँ ना यार, बोलू एक ही बजने वाला है और मैं अब तक सोई नहीं हूँ, और सोऊंगी भी पता नहीं कब, 4:30-5 बजे ही सुबह को सोता है, एंड 2.5 ईयर का हो गया है, अभी भी इसकी नेचर चेंज नहीं हुई है। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको जल्दी सुलाने की आदत डालने की, मैंने बहुत ट्राई करी है, इवन चेंज भी हो जाता है, मतलब बीच बीच में सोने लग जाता है एंड वापस फिर शुरू हो जाता है, मतलब 1-2 महीने अच्छे से सोएगा, फिर वापस से वही रात में जागना शुरू कर देगा। सो मैं इसका रूटीन चेंज नहीं करवा पा रही हूँ, और इसकी वजह से ना मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती है यार। और सबसे बड़ी बात, कल मेरा एग्ज़ाम है, सोचते हो आप, कल मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है फिर भी मैं रात को देखो जाग रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सुबह कैसे उठ के कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँगी, मैं कब सोऊँगी, 4-5 बजे तो सोता है, अब मैं वही बिना सोए में पेपर देने जाऊँगी, क्योंकि 4-5 बजे सो कर तो मेरे से उठा नहीं जाएगा, 8 बजे से मैं 8:30-9 बजे निकल जाऊँगी घर से, क्योंकि 10 बजे से मेरा पेपर है, और मैं LLM का एग्ज़ाम है, 2nd सेमेस्टर है LLM का, 1st के तो हो गए थे, 3 मार्च में हुए थे, है ना, और ये सोएगा तब जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बाकी दिन में मैंने इसे मम्मी के घर छोड़ दिया था, बेटा क्या कर रहे हो, तो वैसे दिन में मम्मी के घर छुड़वा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब 11-12 बजे इसको मिला विला के मम्मी के घर छुड़वा देती हूँ, और फिर मैं इसको 7-8 बजे घर से लेकर आती हूँ, तो मैं थोड़ी देर पहले ही घर से लेकर आई हूँ, मम्मी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है मेरी मम्मी का घर पास है, क्योंकि फिर मैं दिन में थोड़ा सा अपना स्टडी कर लेती हूँ 5-6 घंटे की, रिवीजन हो जाता है थोड़ा सा, बाकी वही है सारा जो लॉ में हमने पढ़ा था वही सारा कुछ है सिलेबस, बस थोड़ा रिवीजन करना होता है, और बाकी ये सोता नहीं है ना, इससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ यार, समझ सकते हो ना बिना सोए बंदा कैसा हो जाता, चिड़चिड़ा, इतने ज़्यादा डार्क सर्कल हो, इसमें कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रिंग लाइट पे मैंने फ़ोन लगाया हुआ है और बहुत कम दिख रहे हैं, बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। ये हाल है, मैंने अपना हेड वॉश किया था, मेरे बाल बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, ब्यूटीफुल हेड इज, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा रफ एंड ऐसे हो गए हैं चीज से ना, क्योंकि मैंने ना ऐसे गीले बालों में ना ऐसे गुजड़ मुजड़ सा बना लिया था, बिकॉज मैं नोनू को लेने गई थी ना मम्मी के घर पे, तो मैंने अपने बाल गीले ही बांध लिए थे, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं कर्ली कर्ली से, बहुत ज़्यादा पीछे ज़्यादा हो जाते हैं। बोलो बोलो, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, बोलो हाय गाइस, How are you? So, आज मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था, जो सूट्स आए थे मेरे बहुत सुंदर से हैं, जो आप आगे मेरे बॉक्स में देखोगे, तो बाय।
लो चलो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।